नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों आज मैं कसीजा सिरप का रिव्यू करने जा रहा हूं और इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, साथ ही इसके साल्ट कंपोजिशन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को नीचे रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दें। उसको दबाने से आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होता है ये। और उसको दबाने के बाद आपको वहीं पर एक बेल नज़र आएगी, एक घंटी नज़र आएगी, उसको भी दबा दें ताकि जैसे ही यहाँ से कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साल्ट कंपोजिशन, तो इसमें होता है एम्ब्रोक्सोल, गुफेंसिन, टर्बुटालिन और मेंथोल। ये चार साल्ट को मिला करके ये सिरप बनाया गया है और ये एक कप सिरप है और ख़ास तौर पे इसे बलगम वाली खांसी के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और इसे सूखी खांसी में भी यूज़ किया जाता है। और जिन लोगों के सीने में बलगम हो गया है सर्दी के कारण या गले के इन्फेक्शन के कारण या अस्थमा के प्रॉब्लम की वजह से या किसी पॉल्यूशन की वजह से उनके गले में सीने में जो है बलगम हो गया, इसके कारण बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और खांसी के साथ साथ जो है बलगम भी आ रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। और अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इसको लेने के बाद कई लोगों को जो है जी मिचला सकता है या उल्टी आ सकती है या कई लोगों को दस्त भी लग सकते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है या पेट में दर्द हो सकता है या पेट खराब हो सकता है या इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है या जो है दिल की धड़कने भी तेज़ हो सकती हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और डोज़ की अगर बात करें तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही इसकी डोज़ ली जाती है। इसको लेने का जो सही तरीका वो ये है कि कभी भी इसका इस्तेमाल करें तो हल्के से गुनगुने पानी में ही इसका इस्तेमाल करें, तभी आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ आप कुछ परहेज का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, जैसे कि ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, ठंडे पानी का सेवन जैसे ना करें, दही का सेवन ना करें, चावल का सेवन ना करें, तब आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप बात करते हैं इसके प्राइस की, तो करीब 45 रुपये यानी कि 45 रुपीज़ इस पर MRP दिया हुआ है और डिस्काउंट करके 40 रुपये की मिल जाती है आसानी से किसी भी केमिस्ट की शॉप से, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जुवेंटस कंपनी की आती है, बहुत ही फेमस है कसीजा। तो दोस्तों ये था कसीजा सिरप का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, फ़ायदा मिल सके। और इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।